जल्दी से अपने लेक्चर पर आते हैं जी। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेंसेस के हवाले से। वर्ब फॉर्म फिलिंग प्लस ट्रांसलेशन, ये दो चीजें आज का हमारा जो है वो महवर रहेंगी कि हम अपनी टेंसेस की फिलिंग कर रहे होंगे, उसमें वर्ब की फॉर्म फिलिंग सीखेंगे। वर्ब की फॉर्म फिलिंग आती है जी, इवन आप लोगों को वर्ब की फॉर्म फिलिंग सब्जेक्टिव में भी आ सकती है, ऑब्जेक्टिव में तो आती ही आती है लाजमी कंपोजिशन के पेपर में। और आप जितने भी जॉब टेस्ट देते हैं आगे चल के, किसी भी तरह के आपके जॉब टेस्ट आ रहे होते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स में, कस्टम्स में, एनीवेयर किसी भी जगह पे वो पार्लियामेंट्स में सीट्स आ रही होती हैं, तो आपको लाजमी तौर पर उसमें वर्ब की फॉर्म फिलिंग लाजम मिलती है। और देन ट्रांसलेशन तो समझ लें कि एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक है। CSS में तो 10 मार्क्स की तो ये लाजम है ना, कंपोजिशन के पेपर का आखिरी क्वेश्चन यही होता है। तो हम टेंसेस इन दोनों एंगल से करेंगे आज, इन दोनों एंगल से ही टेंसेस को लेकर आगे बढ़ेंगे। वर्ब फॉर्म फिलिंग प्लस ट्रांसलेशन, इन दोनों एंगल से हम अपने टेंसेस को आगे लेकर बढ़ेंगे आज। तो लेट अस स्टार्ट जी। पार्टिसिपेंट्स की तादाद में देख कर लूं, दैट्स रियली गुड, हेल्दी है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली तीन मेन हेडिंग्स में कवर होगा, कि सब हेडिंग्स तो बहुत ज्यादा आएंगी। एक इंट्रोडक्शन जी, सेकंड टाइप्स ऑफ टेंसेस, और थर्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे होंगे। अच्छा, आज का लेक्चर आज कवर एक ही दिन में नहीं होगा, एक ही लेक्चर में टेंसेस क्योंकि हमने कंप्लीट करने, डिटेल से करने और इसके दोनों एस्पेक्ट्स कवर करने। ये सिर्फ नहीं कि सिर्फ वर्ब की फॉर्म फिलिंग कर लेनी है, वरना यूजुअली आपने देखा है कि टीचर्स एक दिन में आपने किया होगा एक टेंस को लेकर जा रहे होते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हम ये दो लेक्चर्स में कवर करें, और अगर कुछ बच जाता है, प्रैक्टिस भी जाहिर है एंड पर बच जाएगी कुछ डिस्कशन, तो हम तीन लेक्चर में मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको तीन लेक्चर्स में ले जाएं। लेकिन जो मैंने प्लानिंग आप लोगों से शेयर की हुई है, उस प्लानिंग में मैंने इसको 2 डेज ही रखा है कि मैं इसको 2 डेज में ही जो है हर सूरत कवर करना चाह रहा हूँ। और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, इसलिए जरा पूरी तरह से अटेंशन के साथ आप लोगों ने जो है टेंसेस के अंदर आना है। तो आइए टेंसेस की डेफिनेशन की तरफ सबसे पहले आते हैं जी। जो टेंसेस की आपकी डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स, बेसिकली ये आपको बताती है कि टेंस है क्या। बेसिकली आपको उर्दू में, या आपने अगर कोई आप में से हिंदी में इधर मौजूद है तो आपने टेंसेस का एक ही मीनिंग पढ़ा हुआ है जी, कि टेंसेस बेसिकली जो है वो शो कर रहे होते हैं उसको, जमाने को। ठीक है, आप लोग इस मामले में भी ठीक है। द वर्ड टेंस हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन्स टाइम। ये बेसिकली इसका मतलब, टेंस का इंग्लिश मीनिंग टाइम है, टेंस मीन्स टाइम, हम टाइम पढ़ रहे हैं। ये टेंस तो लैटिन का वर्ड है, लातीनी का, ठीक है जी, वो टेम्पस वर्ड से ड्राइव हुआ है और वहां से उसका मीनिंग टाइम ही है। हम टाइम पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट का टाइम पढ़ेंगे, पास्ट का टाइम पढ़ेंगे, फ्यूचर का टाइम पढ़ेंगे। अ वर्ब इंडिकेट टाइम ऑफ एन एक्शन और एन इवेंट बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म। तो वर्ब जो है, जो जुमले का हमारा वर्ब होता है, वो बेसिकली एक्शन या इवेंट देता है अपनी फॉर्म चेंज करके। फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है सिर्फ, तो हमें पता है कि ये प्रेजेंट का टाइम है। हमें पता है कि सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो वो पास्ट का टाइम, ठीक है जी। आज आपको एक मजे की चीज बताता हूं टेंसेस के टाइप्स के हवाले से, कि हम टेंसेस की जो टाइप्स हैं उसकी तरफ आ रहे हैं, कि टेंसेस के अब तीन टाइप्स पढ़ते हैं जो आपको मेन हेडिंग ऊपर ब्लू में नजर आ रही है, प्रेजेंट टेंसेस, पास्ट टेंसेस एंड फ्यूचर टेंसेस। आप इन तीन काइंड्स को आज तक जानते हैं। आपको पता है असल में टेंसेस की दो काइंड्स ही होती हैं, प्रेजेंट टेंसेस एंड पास्ट टेंसेस। बेसिक अगर मैं आपको ग्रामर की बात करूं तो फ्यूचर टेंस इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी, इट इज सब एंटिटी ऑफ प्रेजेंट टेंस। आज तक आपने कहा सर आपने तो पूरा फ्यूचर ही उड़ा दिया। यस, फ्यूचर इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी। असल टेंस प्रेजेंट एंड पास्ट दो टेंसेस ही हैं। फ्यूचर जो है, याद रखिएगा आप लोगों का, वो प्रेजेंट की ही सब एंटिटी है, सब कैटेगरी के अंदर इस्तेमाल होता है। नाउ यू वुड बी वंडरिंग कि सर हाउ इज इट पॉसिबल कि प्रेजेंट हमारा जो है वो सिर्फ फ्यूचर की एंटिटी के तौर पर कैसे आ सकता है, ये मुमकिन कैसे हो सकता है। तो आप मुझे बताइए, वर्ब की फॉर्म्स के नेम रखे होते हैं हमने, क्या नाम है वर्ब की फॉर्म्स के? पहली फॉर्म का नाम प्रेजेंट है, बाकी फॉर्म्स के नाम क्या है जी? मैं आप लोगों को अनम्यूट
कर देता हूं आप अगर बोलना चाहे, लेकिन आपने आंसर देकर फौरन अपने आप को जो है वो म्यूट कर लेना है। जी टेंसेस के वर्ब की फॉर्म्स के नाम बताइएगा। पहली फॉर्म का नाम है प्रेजेंट, बाकी फॉर्म्स के नाम बताएं। बोले एनी वन ऑफ यू? अच्छा मुझे आंसर्स आ रहे हैं, मैं यहां से देख लेता हूं कि आप क्या कह रहे हैं जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, जवेरिया ने सही आंसर दिया है वैसे। वो बेटा आप टेंसेस के नाम बता रहे हो रुबाब, तो हमारे बेसिकली टेंसेस होते हैं उनके नाम आप बता रहे हैं वर्ब की फॉर्म्स के नाम। पहली का नाम प्रेजेंट, दूसरी का नाम पास्ट और तीसरी फॉर्म का नाम पास्ट पार्टिसिपल। जवेरिया बच्चे जेरंड को वर्ब की फॉर्म के तौर पर हम नहीं देख रहे होते, ऑल्दो वो बना वर्ब से ही है लेकिन वो नहीं है। इन्फिनिटिव वगैरह जेरंड वगैरह असल में नाउन बन जाते हैं, वो वर्ब रहते नहीं है, हम एज अ वर्ब ही बात कर रहे हैं। वर्ब की फॉर्म्स की मैंने दो दिन पहले व्हाट्सएप ग्रुप में आपको एक्टिविटी शेयर की थी जिसमें पीडीएफ में वर्ब की फॉर्म्स दी हुई थी, आपने उन वर्ब की फॉर्म्स को एक बार दोबारा देखना है। एसन यस रियली गुड एसन। वर्ब की फॉर्म्स प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। पहली फॉर्म प्रेजेंट ड्रिंक, दूसरी फॉर्म पास्ट ड्रैंक, तीसरी फॉर्म ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक होता है ना, पास्ट पार्टिसिपल, और उसकी फोर्थ फॉर्म ड्रिंकिंग, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल, और जो आईएनजी फॉर्म होती है उसको फोर्थ फॉर्म भी कह लेते हैं, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। ये बेसिकली वर्ब की फोर फॉर्म, ज्यादा बेसिक फॉर्म, वरना इसके अंदर हम बहुत कुछ और भी बना लेते हैं लेकिन वो एडवांस लिंग्विस्टिक्स का करेक्टरिस्टिक है, हम यहीं तक रहते हैं जहां तक आपको जरूरत है, तो आपको लिंग्विस्ट तो नहीं बनाना। तो प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल सॉरी पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। फ्यूचर का नाम बताएं, वर्ब टेंस शो करता है, वर्ब ने टेंस शो करना है। आई ड्रिंक तो मैं पानी पीता हूं, आई ड्रैंक मैंने पानी पिया, आई विल ड्रिंक में फिर प्रेजेंट ही है, आई विल ड्रिंक में फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आई विल ड्रिंक। विल शैल ने टेंस बनाया, ड्रिंक ने तो टेंस ही बनाया, और विल शैल भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, विल शैल की सेकंड फॉर्म वुड होती है। अच्छा अक्सर लोग कहते हैं विल की सेकंड फॉर्म वुड और शैल की शुड, ये भी गलत कॉन्सेप्ट है, विल शैल दोनों की सेकंड फॉर्म वुड होती है और थर्ड फॉर्म भी वुड है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली बेटा वो जवेरिया जो वर्ब की फॉर्म्स आपको इन्फिनिटिव और जेरंड बताई थी वो वर्ब से बनती है लेकिन वो बेसिकली वर्ब तो नहीं ना, इन्फिनिटिव जेरंड दोनों नाउन होते हैं, वो वर्ब्स होते ही नहीं है, ठीक है। तो यहां से अब आप लोगों को एक चीज क्लियर हो गई कि फ्यूचर तो है ही नहीं टेंसेस के वो वर्ब के अंदर भी। तो असल में फ्यूचर आपको समझाने के लिए कि चलो फ्यूचर का जमाना तो है, फ्यूचर बनता अपनी प्रेजेंट टेंस से ही है, फ्यूचर बनता अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही है, बेसिकली अपनी प्रेजेंट टेंस से बन रहा होता है, वो फ्यूचर के लिए अलग वर्ब है ही नहीं। चले हम जल्दी से अपनी इस एक्टिविटी को लेकर आगे बढ़ते हैं जी। तो स्टूडेंट्स टेंसेस की चार सब कैटेगरीज होती हैं, आप देखें प्रेजेंट टेंसेस के अंदर भी इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और पास्ट टेंसेस में भी वही लिखा और फ्यूचर टेंसेस में भी वही लिखा है, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस आपको लिखे हुए नजर जो है वो आ रहे हैं। दैट्स रियली गुड कि ये चीजें तो आपको जाहिर वाज़ेह तौर पर क्लियर हो गई होंगी। चलें जी हम आगे आते हैं जी इसमें, मैं एक बार देख लूं पार्टिसिपेंट्स को। यस ओके गुड है, हम नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो है सबसे पहले प्रेजेंट टेंसेस है, तो प्रेजेंट टेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने दोनों एंगल से करना, याद रखिएगा वर्ब की फॉर्म फिलिंग भी, कि सेंटेंस दिया हुआ है एंड यू हैव टू फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कि प्ले आना है, प्लेज आना है, प्लेड आना है, हैज प्लेड आना है, विल प्ले आना है, व्हाट टू पुट, और हमने ट्रांसलेशन भी करनी है कि उर्दू का जुमला अगर आए तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है और कैसे पता लगेगा कि इस किस टेंस की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली करना है, ये दोनों चीजें चल रही होंगी स्टूडेंट्स। इट इज अ टेंस यूज्ड टू शो
रूटीन्स, हैबिट्स एटसेट्रा। ये एक ऐसा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो रूटीन्स शो करता है, हैबिट्स शो करता है, आपके रोजमर्रा की रूटीन्स और हैबिट्स, हैबिट्स आपकी आदत शो करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब जो काम रोजाना होता है। आई टीच यू पीपल डेली, प्रेजेंट डेफिनेट है, ये काम रोजाना होता है, प्रेजेंट में जो रोजाना होता है, प्रेजेंट में याद रखिएगा, ठीक है, इसलिए प्रेजेंट डेफिनेट, ये एक तरह की हैबिट या रूटीन बन चुकी होती है। सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक तरह की रूटीन बन गई है। ही कम्स लेट डेली, वो रोजाना लेट आता है, ये एक रूटीन बन गई है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जो है यहां यूज किया जाता है। चले नेक्स्ट मूव करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू शो प्रोवर्ब्स जर्नल एंड यूनिवर्सल ट्रूथ्स। ये कोई जर्नल, यूनिवर्सल ट्रूथ्स या प्रोवर्ब्स वगैरह के लिए भी हम इसी टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं जी। जर्नल या यूनिवर्सल ट्रूथ्स वो होते हैं जो यूनिवर्सली या साइंटिफिकली प्रूवन होते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, साइंटिफिकली प्रूवन है। तो ये हमारे जो है यूनिवर्सल ट्रूथ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं जी। और उर्दू में अगर जुमला आपको लिखा और आपको ना समझ आ रहा हो किस टेंस का है, तो यूजली, हमेशा नहीं, यूजली आपको जुमले के एंड पर ता है, ती है, ते है या ताहू लिखा आता है, तो आप समझ जाते हैं प्रेजेंट डेफिनेट। वो रोजाना लेट आता है, मैं आपको रोजाना पढ़ाता हूँ, सूरज मशरिक से तुलू होता है, तो एवरीथिंग इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। यू कैन सी के ता है, ती है, ते हूं वगैरह आ रहे। अच्छा, मैं अब आप लोगों को एक मजे की चीज बताऊं कि जरूरी नहीं है कि ता है, ती है, ते हूं आए तो प्रेजेंट डेफिनेट यूज कर लें। आप गौर करें, मुझे आम पसंद हैं, मुझे आम पसंद है, भाई ये मेरी एक तरह की रूटीन है, मेरी हैबिट है, मुझे पसंद है। और तर्जमा आप फर्स्ट फॉर्म से करेंगे, आई लाइक मैंगोज, मैं आम पसंद करता हूं, मुझे आम पसंद है, दोनों प्रेजेंट डेफिनेट की। लेकिन मैं आम पसंद करता हूं तो पहचान से पहचान लिया आपने, ता हूं, लॉजी प्रेजेंट डेफिनेट, आई लाइक, भाई मुझे आम पसंद है, कहने पर तो ता है, ती है नहीं ना आया। तो दैट इज वाई मैं स्टूडेंट्स को जब टेंसेस करवाता हूं तो मैं कहता हूं कि आपने सिर्फ स्ट्रक्चर उसकी उर्दू की रिकग्निशन के बाउंड नहीं हो जाना कि जी उर्दू में ये रिकग्निशन है, उर्दू में ये पहचान है, आपने उसके प्योर फंक्शन पर जाना है। तो दैट इज वाई मैंने फंक्शन पहले लिखा है, गौर करें, रिकग्निशन इन उर्दू बाद में लिखी है। मुझे आम पसंद है, मैं ता है, ती है नहीं भी आया तो आई नो दैट कि ये मेरी एक हैबिट है, मेरी एक आदत है, मुझे पसंद है, मेरी जात का हिस्सा बन गया, ठीक हो गया जी। तो आइए जरा इसकी स्ट्रक्चर्स देखते हैं। ये जो आपका टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट, ये बेसिकली स्ट्रक्चर में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेता है, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, आपको तरतीब तो पता है ना, अब आप जहर एक मेच्योर स्टूडेंट है, आपने अपनी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लाइफ में, बहुत सारे यूनिवर्सिटी लाइफ से गुजरे हुए स्टूडेंट्स भी हैं, स्ट्रक्चर देखी है कि सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट ही होती है। ही प्लेज क्रिकेट है तो ही सब्जेक्ट, प्लेज वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो, क्रिकेट पर काम हो रहा है। ही ईट्स एन एप्पल डेली तो एप्पल पर काम हो रहा है, रोजाना एप्पल खाया जा रहा है, उस पर काम हो रहा है, ही कर रहा है सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट हमने डेफिनेशन चेंज की थी कि जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, ही के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि वो सेब खाता है रोजाना। तो हमें जब टेंसेस करनी है, गुड न्यूज ये है कि हमें किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरफ देखने की जरूरत नहीं, वी आर टू फोकस ऑन दी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, हमें बस उस पर फोकस करना है। हमें पता है कि जो पीछे फंक्शन पड़े थे कि रूटीन एक्शंस हो, प्रेजेंट के हैबिट्स हो, यूनिवर्सल ट्रूथ्स हो, जनरल ट्रूथ्स हो, प्रोवर्ब्स मुहावरे हो, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, बस ये याद रख लेना है। या उर्दू में ता है, ती है, ते हूं आ गया तो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, मुझे और कोई परवाह नहीं। सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव करते वक्त इनमें डू नॉट, डज नॉट लगा दिया जाता है, डू नॉट, डज नॉट लगा दिया जाता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट और दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब डज कब लगाना है, डू कब लगाना है, यह भी मजे की चीज है। याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट में यह सबसे मजे की चीज है, और ये स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गलती करते हैं। मैंने असाइनमेंट्स आपकी चेक कर वापस की है, आप लोगों को चेक्ड असाइनमेंट वापस मिल गई है जी, मुझे जरा बताइए आप लोगों ने देखी है, कुछ अभी रह गई है लेकिन कुछ मैंने वापस कर चुका हूं, मतलब मुझे पास एक बम्बार्डमेंट्स आ रही है जी, माशाल्लाह असाइनमेंट्स की, बहुत सारे बच्चे भेज रहे हैं, रोजाना भेज रहे हैं,
बल्कि मेरे व्हाट्सएप पर भी भेज देते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि व्हाट्सएप पर ना भेजे, वहां चेक करना मुश्किल है। मुझे बहुत आसान है चेक करना, मेरे पास टैबलेट है तो टैब के ऊपर से मैं इजीली उसको अंडरलाइन सर्कल और सारा कुछ कर सकता हूँ। तो आप लोगों को मिली है जी असाइनमेंट चेक होकर स्टूडेंट्स, मुझे रिप्लाई कीजिएगा जिन्होंने सेंड की थी अभी तक। तो आप बहुत सारे लोगों का मैं देख रहा हूं, तो आप जो है मिस्टेक्स कर रहे होते स्टूडेंट्स। आप लोगों की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। आयशा आपको असाइनमेंट वापस नहीं मिली, मैंने रिटर्न तो की है। आयशा आपकी तो, आयशा विशीर आपकी तो असाइनमेंट रिटर्न हुई है। असल में आप लोगों को यूज करनी नहीं आती, मैंने ना उसकी वीडियो बनाई है, वो अभी अभी रेंडर हुई है, तो वो वीडियो अभी मैं फौरन नहीं मिली मुझे। तलाल भी कह रहा है, तलाल योर असाइनमेंट वाज आल्सो रिटर्न। रुबाब आपको असाइनमेंट मिल गई है, क्योंकि रुबाब की भी रिटर्न की थी। और रुबाब को अगर असाइनमेंट मिली आपको भी मिलनी चाहिए। फर्स्ट टू मिल गई है जी, रुबाब कह रही है। तो आपने देखा है रुबाब को इसके अंदर जो मैंने मिस्टेक्स निकाली हैं और दूसरी चीजें, एंड आप लोगों को ना, असल में बाकी लोगों को शायद, रुबाब मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, बात करना चाहे तो कर सकती हैं। तो जो मैंने आपकी मिस्टेक्स निकाली हैं, सर्कल लगाए हैं, अंडरलाइन किया और साथ सजेशंस दिए कि क्या गलतियां होनी थी, अब वो सारा तक भी आप तक पहुंचा है सारा कुछ असाइनमेंट के अंदर चेक होके? यस सर किया था चेक। अच्छा, तो बाकियों को भी असाइनमेंट मैंने इसी तरह रिटर्न किया, अगर किसी को नहीं पहुंची तो मैं ना अभी इसके बाद, वीडियो रेंडर हो चुकी है, मतलब वो वीडियो फॉर्मेट में आ चुकी है, उसकी रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि मुझे दो अकाउंट से ट्रीट करना पड़ रहा था, एक में एज टीचर बनकर और एक में स्टूडेंट बनकर। उस वीडियो ने मेरे बहुत टाइम लिया, गूगल क्लासरूम को यूज करना जो सिखाना था आपको, प्रॉपर उसकी टेस्टिंग और सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है। मैंने खुद एक स्टूडेंट बनकर उसके अंदर टेस्ट सॉल्व किए और असाइनमेंट्स अपलोड किए और चेक होकर वापस आती है तो कैसे आपने देखनी है और उसके अंदर चेकिंग के अंदर क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं। तो खैर वो वीडियो में अभी इसके फौरन बात कर देता हूँ, क्योंकि अभी वो तकरीबन 7 o'clock के करीब रेंडर होकर कंप्लीट हुई थी, तो मैंने कहा चलो अगर मैं अब अपलोड करने पर यूट्यूब या फेसबुक पर लगाता हूँ तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो आई अवॉइडेड और वो आपको अवेल कर देता हूँ इस लेक्चर के फौरन बाद इंशाल्लाह, वो मैं अपलोड यूट्यूब पर करके आपको लिंक दे देता हूँ और फेसबुक पर भी। ओके जी, हम जल्दी से आते हैं। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं जिससे मैं इस पॉइंट की तरफ गया था। चलो असाइनमेंट की भी बात होगी, अच्छा है कि आप लोगों को कुछ को मिल रही है, कुछ को असल में समझ नहीं आ रही कि वो कैसे मिल रही है और उसको रिसीव कैसे करना है, जब वो रिटर्न होती है तो कहाँ पड़ी होती है। सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लेना है जी आपने। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक बंदा है जैसे अली है, नुमान है, और उसके साथ या ही शी इट भी तो एक ही होता है ना, ही शी इट, आई नहीं लेना, आई और ही तरह से बिहेव करता है, ही शी इट या एक सिंगल नाउन हो, कोई एक सिंगल नाउन हो तो वर्ब के साथ एसीएस का इजाफा होता है जी, और ऐसा नहीं हो तो नहीं होता। दे प्ले है लेकिन ही प्लेज है, शी प्लेज है, नुमान प्लेज है, लेकिन आई के साथ नहीं करना कि आई प्लेज नहीं कर देना। और ये गलती बच्चे बहुत सारे करते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और वर्ब के साथ एसीएस का इजाफा नहीं किया होता, तो ये मिस्टेक आप लोगों की मैं असाइनमेंट्स के अंदर भी बल्कि कई कुछ बच्चों को बकायदा मैंने लिख के भेजा है कि आप वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होने की सूरत में एसीएस का इजाफा नहीं कर रहे, जो कि आपकी मिस्टेक आ रही है। और उन्हीं के साथ अपने डज नॉट लगाना है जिनके साथ एसीएस का इजाफा करना है, जैसे ही प्लेज क्रिकेट है तो नेगेटिव होगा, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले। अब चूंकि डज लगा दिया है, एसीएस का इजाफा डू के साथ हो गया है, अब प्लेज के साथ नहीं करना, ही प्लेज था लेकिन ही डज नॉट आ गया तो प्ले कर देना, लेकिन दे डू नॉट प्ले या दे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर इंटरोगेटिव हो, जुमला सवालिया हो, तो वही डू डज जुमले के शुरू में आ जाएगा, नॉट को नहीं छेड़ना, नॉट अगर मौजूद है तो वो अंदर ही रहेगा, लेकिन अक्सर आजकल नॉट को ले जाते हैं। डज ही प्ले क्रिकेट और अक्सर और असल जुमला डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, अगर आप नॉट बाहर भी ले जाए इतना मसला नहीं है, डज नॉट ही प्ले क्रिकेट चल जाएगा, आज यूज होता है, लेकिन बेटर है कि वो नॉट अंदर ही रहे। अब आते हैं इसके ये यूज कब करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट का वर्ब कब लगाते हैं, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने कब कब पुट करनी है, इस चीज पर बात कर लेते हैं। ये आपने लगानी जब आपको वर्ड ऑफन, यूजुअली, ऑफन होता है अक्सर, यूजुअली अमूमी तौर पर, समटाइम्स कभी कभार, डेली, ऑलवेज, ओकेजनली, ऑन मंडेज, अब ऑन मंडेज, ऑन संडेज मतलब हर मंडे को, हर संडे को, हम प्रॉपर नाउन को प्लूरल कर लेते होते हैं उस सूरत में स्टूडेंट्स, जब हमने उसमें मीनिंग देना हो ज्यादा का, कई बार हम कर लेते होते हैं।
और वो कबूल हो जाता होता है। एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, नाउ एंड देन, नाउ एंड देन कभी कभार, याद रखिएगा, नाउ एंड देन, ऑफ एंड ऑन भी कभी कभार, दोनों सेम मीनिंग है। रेगुलरली, सेल्डम, सेल्डम मतलब कभी कभार, रेयरली, शाज़ ऑन अदर, ये भी कभी कभार ही है। तो जुमले देखिएगा, ही ऑफन ट्राइज टू चीट हिज टीचर्स, आपको वर्ड ऑफन आ गया था जुमले में नजर, ये आपको वर्ब की फॉर्म फिलिंग सिखा रहा हूं इस वक्त मैं यहां, करेक्ट यूज ऑफ वर्ब। जुमले में आपको ऑफन नजर आ गया, अब आपने कहना जी प्रेजेंट डेफिनेट है, आपने ट्राइज लगाना है, विल ट्राई, हैज ट्राइड नहीं लगाना, ही ऑफन ट्राइज, बेटर है कि आप ट्राइज के साथ ही जाए। द सन राइजेज इन द ईस्ट, हमें पता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज करना है, तो हमें यूनिवर्सल ट्रूथ था जी एक, ठीक है जी, तो हमने प्रेजेंट डेफिनेट लगा दिया। और पेपर में अगर वर्ब के फॉर्म फिलिंग में आता है सन डैश इन द ईस्ट तो विल राइज नहीं, राइजेज, हमें पता है यूनिवर्सल ट्रूथ है, होता है उधर से, कभी सिम्मत चेंज नहीं की। द चिल्ड्रन डू नॉट टेल लाइज, ये जनरल ट्रूथ है, ये गौर करें। मैं जो है पॉइंटर ऑन कर लेता हूं, लेजर पॉइंटर, कि जब जनरल ट्रूथ आ जाए, जनरल या यूनिवर्सल, जनरल ट्रूथ जो अमूमी तौर पर जिसको हम सच समझते हैं, अमूमी तौर पर हम समझते हैं बच्चे झूठ नहीं बोलते, हम कहते हैं, कहते ना जी बच्चे झूठ नहीं बोलते, किसी बच्चे ने कोई बात कर देखो जी बच्चे झूठ नहीं बोलते, तो द चिल्ड्रन प्रेजेंट डेफिनेटली लगाया, डू नॉट टेल लाइज, डू नॉट टेल लाइज, विल नॉट टेल लाइज नहीं, हैज नॉट टोल्ड लाइज नहीं, पेपर में आपको वर्ब की फॉर्म फिलिंग आ गई है, द चिल्ड्रन डैश लाइज, ऑप्शन दिए हुए, डू नॉट टेल लाइज, हैज नॉट टोल्ड लाइज, विल नॉट टेल लाइज, तो आपको डू नॉट टेल लाइज ही लेना है, आपको नजर आ रहा है ये एक जनरल ट्रूथ है, तो आप वर्ब की फॉर्म फिलिंग सीख रहे हैं। आप लोगों से काम करवाने जा रहा हूं, यहां वर्ब की फॉर्म फिल करें, ए बी सी डी, पाकिस्तानीज डैश इंडिपेंडेंस डे ऑन 14th of August, वर्ब की फॉर्म फिलिंग सीख रहे हैं जी, आपको बहुत सारे टेंसेस टेस्ट में और स्पेशली सीएसएस में आपको लाजम चाहिए जी। सी, यस जवेरिया बच्चे, रियली गुड, एहसन आपका भी आंसर ठीक, तलाल जबरदस्त जी, जबरदस्त, सेलिब्रेट। रीजन, पाकिस्तानीज प्लूरल है, वर्ब के साथ एसईएस का इजाफा थे, उन्होंने बी तो गया। अब बात करते हैं सेलिब्रेटेड या विल सेलिब्रेट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये हमारी रूटीन है, हैबिट बन गई है कि हम 14th of August को ही मनाते हैं, और जब रूटीन बन गई है तो प्रेजेंट डेफिनेट ही प्रेफरेबल। आपने नहीं कहना सेलिब्रेटेड या विल सेलिब्रेट, आपको सेलिब्रेट जाना है, आपको प्रेजेंट डेफिनेट देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही देनी है, दैट्स रियली गुड जी। नेक्स्ट आते हैं जी, जी स्टूडेंट्स क्या लगाएंगे, द अर्थ डैश राउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व, रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्ड, विल रिवॉल्व, ये तो खैर अभी हमने कर लिया था, खैर वो सन का था, तो ऑप्शन इज बीटा, बीटा, द अर्थ रिवॉल्व्स, अर्थ सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईएस का एडिशन होगा जी, रिवॉल्व्स आना है, सुजान रिवॉल्व्स, वेलकम फ्रॉम इंडिया, तो उड़ीसा में तो बारिशें होती ही हैं काफी, आपके उड़ीसा भी बारिशें हो रही हैं सुजान, हमारे पाकिस्तान में तो सही रेनी सीजन आया हुआ है, और मुंबई में भी इस वक्त बहुत ज्यादा बारिशें हैं, उड़ीसा का सुनाओ, मैसेज में बता दो बेशक, अच्छा जी दैट्स, चलें अल्लाह खैर आफियत के रखे जी। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, बीटा आंसर आना था, यूनिवर्सल ट्रूथ था। नेक्स्ट आते हैं जी, आई हैव गॉट एन आंसर, बीटा, यस हमना, इट्स राइट, बीटा। नेक्स्ट आते हैं जी, अब ट्रांसलेशन करवानी है आप लोगों से, हमने पढ़ा था ता है ती है ते हैं आए तो प्रेजेंट इनडेफिनेट लगाना होता है, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, सब्जेक्ट वर्ब तो आने ही आने, सब्जेक्ट पहले वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड पर, वर्ब दरमियान में, ट्रांसलेट करके दिखाएं जी जरा मुझे, और आप चाहें तो मुझे आप ये बोल कर भी ट्रांसलेट कर सकते हैं जी। माशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा रिस्पांस भेजा है, एक दो स्टूडेंट्स का रॉन्ग है, जरा वो लोग अपने आप को ठीक करें। अमेरिका थ्रेटन्स एवरी कंट्री, थ्रेटन्स जो थ्रेट होती है ना, ये धमकी है, ये नाउन है, आपको वर्ब लगाना था, देखो आप देखा करें, बेशक उर्दू तर्जमा कर लिया करें, चलो आप ट्रांसलेशन ही कर रहे थे, अमेरिका सब्जेक्ट और इसके बाद वर्ब चाहिए था, देन ऑब्जेक्ट, अभी हमने किया, मैं आपको पिछली स्लाइड्स पर वापस ले जाता हूं।
तो आपको देखो नजर आ रहा है कि सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट लगाना है, पहचान भी हम पढ़ चुके थे पीछे। तो आपको स्टूडेंट्स लाजमी तौर पर जो था द यूनाइटेड स्टेट्स कह लें या अमेरिका कह लें, फ्रांस बिल्कुल ठीक है, तो आपको थ्रेट नहीं देना, थ्रेटन। कुछ वर्ब जो नाउन से स्पेशली या एडजेक्टिव से बने होते हैं उनके ऊपर ईएन लगता है, जैसे स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथन, डार्क से डार्कन, लाइट से लाइटन, तो थ्रेट से थ्रेटन, ठीक है जी। तो थ्रेटन वर्ब है और इसकी सेकंड फॉर्म थ्रेटन, थर्ड भी थ्रेटन होती है। तो हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईएस का इजाफा करना है, वर्ब सिंगुलर था, तो अमेरिका थ्रेटन्स एवरी कंट्री, ठीक हो गया जी, दैट्स रियली गुड। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले टेंस पर, आपको असल में फिलहाल एक व्यू दे रहे, देन हम प्रैक्टिस सेंटर पर इकट्ठे प्रैक्टिस क्वेश्चन का आपको बम्बार्डमेंट होगी, आपको पूरी असाइनमेंट मिलेगी सॉल्व करने के लिए। इसकी मैंने असाइनमेंट देनी है और वो असाइनमेंट आपने हैंड रिटन सॉल्व करके मुझे सबमिट करवा देनी, ठीक हो गया। और साथ आप लोगों को लाजमी तौर पे इसका भी क्विज और दूसरी चीजें आएंगी, क्योंकि ये भी ग्रामर की बड़ी अहम एलिमेंट है, तो इसका भी क्विज और क्वेश्चंस आएंगे जी लाजमी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पर हम आगे हैं जी, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की स्ट्रक्चर, मुझे कोई क्वेश्चन आया है, मुल्क का इमला दुरुस्त नहीं है, मैं एक मिनट देख लेता हूँ, मुल्क का लाम मिसिंग है, ऐसे मेरी उर्दू काफी कमजोर है भाई, याद रखिएगा। मैं आपने शायद मुझे अभी उर्दू लिखते नहीं देखा, मैं बहुत सारी उर्दू की मैं अक्सर स्पेलिंग्स की, जिसको अब उर्दू में इमला कहते हैं, आई टेंड टू मेक मिस्टेक्स, रीजन नाउ इट हैज बिकम हैबिट विद अस टू राइट इंग्लिश, टू रीड इंग्लिश, एंड दैट उर्दू रीडिंग हैज बीन डिक्रीज्ड टू अ ड्रास्टिक लेवल, एंड दैट इज व्हाई इनपुट इज डिक्रीजिंग, सो आउटपुट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग जी। मुल्क में लाम में टाइपिंग में मिस कर गया, क्योंकि ये टाइप मेरे अपने सारे, तो इसलिए हो गया जी, कोई नहीं। Present continuous जी, it is a tense used to show work or action still ongoing at present, जो इस वक्त जारी है, जो present में जारी है। देखो function की base पर कई बार फैसला करना पड़ता है, मैंने आपको बोला था कि कई बार जुमले का जो पहचान है उर्दू की वो आपको फैसला नहीं करवाती, और function की base पर फैसला करने का एक और फायदा होता है, आप correct use of verb अच्छा कर पाते। देखो जब आप correct use of verb करते क्या उर्दू लिखी आती है, आपको तो इंग्लिश में एक जुमला लिखा आ रहा है उसमें ब्लैंक दिया आपको, आपको उसमें वर्ब फिल करना है भाई, जब ऑप्शन लिखा ही नहीं आता तो उर्दू लिखी नहीं आती तो आपने उर्दू से फैसला भी नहीं करना, आपको फंक्शन पे ही फैसला करना है, तो दैट इज अ फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। आई एम टीचिंग में पढ़ा रहा हूं इस वक्त जारी है, यू पीपल आर स्टडिंग इस वक्त काम जारी है, ठीक है जी, द फैन इज वर्किंग काम जारी है, तो जो चीज भी इसका जारी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है जी। It is also used to show future plans. लो जी दूसरा function. मैं आप सबको mute कर देता हूँ, मैंने तो unmute किया था, चले कि अगर किसी ने कोई अपने आप को unmute करना, मैंने इजाजत दे दी थी तो मुझे फिर दोबारा करना पड़ रहा है, तो अपने आप को अभी भी खैर आप mute unmute कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन मैं एक बार आपको mute कर जरूर दिया। It is also used to show future plans. Future के plans को भी show करता है जी present continuous tense. आपके future के plans. याद रखिएगा, रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं, ठीक है, प्रेजेंट है, फ्यूचर के प्लान्स को कैसे करते हैं आप, ये कैसे बात कर सकते हैं। मैं नहीं कह सकता कि कल मैं लाहौर जा रहा हूं, कल मैं लाहौर जा रहा हूं, आई कैन यूज दैट, इट मींस टू से कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को फ्यूचर प्लान्स के लिए यूज कर सकता हूं, उसमें कोई इश्यू नहीं है मुझे, ठीक हो गया जी। तो हम करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को बहुत ज्यादा यूज अपनी फ्यूचर प्लान्स के लिए, याद रखिएगा। तो मैं कल आपसे मिलने आ रहा हूं, काम तो फ्यूचर का है लेकिन यूज में देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कर रहा, आई एम कमिंग टू मीट यू टुमारो, आई एम कमिंग, तो फ्यूचर, और लेकिन मैं चूंकि प्लान बना चुका हूं तो आई कैन डू दैट, ठीक हो गया जी। यस जवेरिया रियली गुड, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, भी ठीक है, प्लान आपने किया ना, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, मैंने अब बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं, ओके जी। तो इसकी स्ट्रक्चर पर आते हैं, सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, आपने ये हिस्सा देखना है, इजेमआर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, जिसको हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक जैसे रहेंगे, वो प्रेजेंट टेंसेज हैं, पास्ट हैं, फ्यूचर है, हमें उसका कोई नहीं।
नेगेटिव करना है तो इज ए मार के बाद नॉट। याद रखिएगा जब हेल्पिंग वर्ब दिया हो तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। कई बार दो हेल्पिंग वर्ब भी तो होते हैं ना, ही विल बी स्लीपिंग, तो दो हैं तो आपने पहले के बाद ही लगाना, ही विल नॉट बी स्लीपिंग, ही विल नॉट बी, ही विल बी नॉट नहीं कर देना। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ गया। अब पिछला जो टेंस था उसमें हेल्पिंग वर्ब था नहीं, वो पॉकेट से लगाया डू डज, यहां है तो यहां पॉकेट से नहीं लगाना, अब इसके बाद ही लगा दो। और इंट्रोक्टिव कैसे करना है कि इज एम आर बाहर निकल आएगा, जैसे वहां डू डज सब्जेक्ट से बाहर निकल आए थे, इन्वर्जन जिसको हम कहते हैं, इन्वर्जन हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आना। तो ये कीवर्ड्स इसके क्या हैं, इसके कीवर्ड्स है जुमले में नाउ आ जाए, समझ आओ आई एम टीचिंग नाउ, एट प्रेजेंट, नाउअडेज, एट द मोमेंट, एट दिस टाइम, दीस डेज, आई एम टीचिंग सीएसएस इंग्लिश क्लासेस दीस डेज, प्रेजेंटली, टुडे, प्रेजेंटली भी इन्हीं दिनों में, टुडे, आज, आई एम टेलिंग यू टुडे, टुनाइट, ठीक है जी, आई एम गोइंग टू लाहौर टुनाइट, खैर टुनाइट बहुत सारे टेंस ले लेता है जी, टुनाइट और टुडे ऐसे हैं कि आप इनको जरा रख सकते हैं कि ये बहुत सारे टेंसेस में जा सकते हैं, इनकी वैरायटी ज्यादा है, खैर इधर भी आती है इसलिए मैंने इधर भी लिख दिए। ही इज टीचिंग एट पंजाब कॉलेज दीस डेज आ गया। अब दीस डेज देखते अपने कहना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगा दो जी, और कोई हल ही नहीं है। आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो मॉर्निंग, देखो फ्यूचर प्लान, टुमारो आया था, टुमारो मॉर्निंग आया था, कल सुबह, लेकिन जुमले में मेरा प्लान शो हो रहा है कि ये मेरा इरादा है जी, ये मेरा प्लान है, और जब प्लान आ गया तो आप फ्यूचर इंडेफिनेट लगा देंगे, आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सॉरी लगा देंगे, आई एम गोइंग टू, आप फ्यूचर इंडेफिनेट लगा सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट आगे आना है कि आई विल गो टू लाहौर या आई शैल, आई विल के साथ वैसे हम शैल लगाते हैं बाकी सबके साथ विल, लेकिन आजकल शैल एक तरह से इसका यूज खत्म हो गया जी, अब वी यूज विल, आई विल गो टू लाहौर, वी विल, ऑल्दो विल हम कहते हैं जी जरूर का मीनिंग देगा शैल को रिप्लेस करते हुए, लेकिन आजकल कॉमनली विल ही आ रहा है, शैल तो एक तरह से बिल्कुल ही ऑब्सोलीट हो गया है। तो आई विल गो टू लाहौर टुमारो मॉर्निंग ठीक है, आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो मॉर्निंग भी ठीक है, फ्यूचर प्लान के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज होता है, मैं कल सुबह लाहौर जा रहा हूँ, इट्स सो इजी। अच्छा अब मुझे मजे के सवाल आना है कि अगर पेपर में ऑब्जेक्टिव में आ गया ये क्वेश्चन आपको किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम्स में या जॉब के लिए या आपके एंट्रेंस टेस्ट में आपको एग्जाम में आ गया, आप क्या प्रेफर करेंगे, आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो मॉर्निंग, आई विल गो टू लाहौर टुमारो मॉर्निंग, व्हाट वुड बी प्रेफरेबल फॉर फ्यूचर प्लान्स, बोले मैसेज आए जी देखते हैं, एम 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 गोइंग गुड रियली गुड, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को फ्यूचर प्लान के लिए प्रेफर करते हैं, हत्ता के फ्यूचर का बात है लेकिन हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रेफर करते हैं जी, आई एम गोइंग टू मीट यू टुमारो, मैं कल तुमसे मिलने जा रहा हूं, आई विल मीट यू टुमारो भी ठीक है, गलत नहीं है, बट ग्रामेरियन से कि फॉर फ्यूचर प्लान इट इज बेटर टू यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अच्छा अगर जुमला फ्यूचर का हो लेकिन फ्यूचर प्लान ना हो, फ्यूचर का हो लेकिन फ्यूचर प्लान ना हो तो आप तब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज नहीं कर पाएंगे, फ्यूचर है लेकिन फ्यूचर प्लान नहीं है। मैं जुमला आप सबको लिखकर सेंड कर रहा हूं, मैं एवरीवन इन द मीटिंग सेलेक्ट करके सबको एक जुमला सेंड कर रहा हूं, ले जी कैपिटल में लिख देता हूं, रोबोट्स डैश The world in 2050. लो जी जुमला आप सबको आ चुका है, रोबोट्स आपको नजर आ रहा है जी, तो मुझे इसको फिल करके दिखाएं, रोबोट्स डैश द वर्ल्ड इन 2050 फ्यूचर का वक्त है, आज से मैं 30 साल फ्यूचर की बात कर रहा हूं, विल टेक ओवर, अच्छा आप विल टेक ओवर या रूल, यस मैं वर्ब तो बताया नहीं, रूल या टेक ओवर में से आपने कोई लगाना है, रूल या टेक ओवर, रूल लगा लें आप क्या कहेंगे, रोबोट्स आर रूलिंग द वर्ल्ड इन 2050 के विल रूल द वर्ल्ड इन 2050, फैसला करें विल रूल या विल टेक ओवर और आर टेकिंग ओवर, विल विल विल, रीजन के फ्यूचर तो है लेकिन फ्यूचर प्लान नहीं है,
इट इज फ्यूचर बट इट इज नॉट फ्यूचर प्लान. वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड सुजान, रुबा, बैसन, वेरी गुड मजहर, यू पीपल डिड रियली गुड जॉब, जवेरिया, एवरी वन वॉज, बहुत सारे नेम्स हैं, आप सबके तो नहीं पढ़े जाएंगे. तो रोबोट्स विल टेक ओवर ही हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि रोबोट्स ने कोई प्लान तो नहीं बना रखा कि फ्यूचर में ये प्लान होगा. और वैसे आप उर्दू करके भी देख लें कि 2050 में रोबोट्स हुकूमत कर रहे हैं, नहीं करेंगे, या ये फ्यूचर कंट्रीज लगा दो, कर रहे होंगे. फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा या फ्यूचर कंट्रीज आएगा, प्रेजेंट कंट्रीज आप लगा नहीं पाए, आप गौर करें. रियली गुड जी, रियली गुड रुस्तम, आप भी, हसन आप भी, वेरी गुड हमना आप भी. अच्छा जी, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करते हैं थोड़ी सी, यहां लगाएं जी. ही डैश द प्लांट्स एट द मोमेंट. आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, मैंने वैसे इजाजत दी हुई है अगर कोई करना चाहता है. He is watering the plants at the moment. At the moment देखते ही हमें पता लग गया कि ये present continuous के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है. एक student ने ज़रा लंबा question भेजा है, ज्वेरिया ने. हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि जो action future में planned ना हो, मतलब अभी doubt में, हम यकीन से नहीं कह सकते वो future plan ही. Future plan जिसकी आपने planning कर ली है, जो डन हो गया कि अब ऐसा होना ही है, आपने ऐसा करना ही है, सोच लिया है, कम से कम प्लान में शामिल हो चुका है. ये लगाएं जी, वेयर डैश योर नेक्स्ट वेकेशन, वेयर विल यू स्पेंड, वेयर आर यू स्पेंडिंग, बोले जी. यहां अल्फा और चार्ली में लड़ाई हो जानी है. नेक्स्ट वेकेशन फ्यूचर है, नेक्स्ट वेकेशन अगली छुट्टियां. Yes, very good students. Are you spending? ही हमारा आंसर आना था. उसकी रीजन हम प्लान फ्यूचर का उससे बना रहे हैं, पूछ रहे हैं. यहां भी फ्यूचर की प्लानिंग हो रही है बकायदा तौर पर, अगली छुट्टियों की प्लानिंग हो रही है, अभी काम गुजार रहे हो. वेयर आर यू स्पेंडिंग योर नेक्स्ट वेकेशन, ठीक है जी. तो सी इज बेटर आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा जी, ट्रांसलेशन पर भी आ जाते हैं, क्योंकि साथ साथ हम ट्रांसलेशन भी सीख रहे हैं. देन मैं आपको ट्रांसलेशन के पैराग्राफ देने और देने भी सीएसएस लेवल के, इंशाल्लाह कि जरा ये कर करके दिखाएं ट्रांसलेशन के पैरे और इनकी करें इंग्लिश. उसकी रीजन के इजहार हमें ट्रांसलेशन पेपर में आनी है जी, 10 मार्क्स की आनी है, तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है, इवन जॉब के लिए जो एग्जाम्स होते हैं उनमें आ जाती है. पाकिस्तान तरक्की की कोशिश कर रहा है, गुड. रुबाब आपका आंसर ठीक है, मैं इसको लेकिन रीड नहीं करूंगा ताकि बाकी लोग भी एक बार कर लें. शाबाश शाबाश. जबरदस्त रुस्तम, एहसन, जवेरिया. स्ट्रगलिंग थोड़ा सा हार्ड वर्ड हो जाएगा कोशिश के लिए, स्ट्रगलिंग जिद्दोजहद होता है, जिद्दोजहद में कोशिश जरा फाइट वाली आ जाती है कि आपको मुखालफत है तो वो जरा मीनिंग जिद्दोजहद वाला है. स्ट्राइविंग भी ठीक है, बेटर है, स्ट्रगल से मीनिंग थोड़ा सा कम है. अच्छा याद रखिएगा, उर्दू ट्रांसलेट आप कई तरीके से कर सकते हैं, कई वर्ड्स होते हैं जब उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं. पाकिस्तान इज ट्राइंग टू प्रोग्रेस, देखो टू प्रोग्रेस भी ठीक है, प्रोग्रेस वर्ब भी होता है तो लगा दें टू प्रोग्रेस, टू गेट प्रोग्रेस, टू अचीव प्रोग्रेस, वो भी ठीक है. पाकिस्तान इज ट्राइंग, पाकिस्तान इज स्ट्रगलिंग, पाकिस्तान इज स्ट्राइविंग, सारे चलेंगे. हमें वो लगाना है जो ज्यादा बेटर है. तो कोशिश करना और जिद्दोजहद करना में थोड़ा सा फर्क है. जिद्दोजहद आए तो आप ट्राई नहीं लगाएंगे, आप स्ट्रगलिंग लगाएंगे, आप स्ट्राइविंग लगाएंगे, स्ट्राइविंग और स्ट्रगलिंग. कोशिश आए तो ट्राई ज्यादा अच्छा है. याद रखिए, उर्दू के जितना करीब रहेंगे एग्जामिनर उतना ज्यादा आपको मार्क्स दे रहा होगा, उतना ज्यादा आपके ट्रांसलेशन को पसंद कर रहा होगा. जब आप स्ट्राइविंग और स्ट्रगलिंग लगाएंगे, स्ट्राइविंग फिर भी बेटर है स्ट्रगलिंग से, तो वो सोचेगा कि ये ट्रांसलेशन जो उर्दू थी उससे थोड़ा सा ज्यादा दूर चला गया. तो ज्यादा दूर नहीं जाना, करीब रहना है, जितना करीब रह सके. स्ट्रगलिंग में गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं चाह रहा हूं, कह रहा हूं थोड़ा सा दूर चला गया. नेक्स्ट आते हैं जी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट का मीनिंग तो देखें, प्रेजेंट परफेक्ट जो मुकम्मल हो गया और अभी अभी हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, अभी अभी हुआ है, वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है जी. तो इट इज अ टेंस फंक्शन, देखिएगा, यूज टू शो एन एक्शन दैट हैज रिसेंटली कंप्लीटेड, रिसेंटली हाल ही में, अभी अभी मुकम्मल हुआ है,
अभी अभी हुआ है. आई हैव जस्ट टॉट यू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, मैंने अभी अभी सिखाया है. तो जो काम अभी अभी पूरे हुए, ठीक है. यू पीपल हैव जस्ट आंसर्ड माई क्वेश्चन, तो अभी अभी आपने मेरे क्वेश्चन के आंसर दिए. तो जो काम रिसेंटली, मतलब वो प्रेजेंट. मैं ना प्रेजेंट परफेक्ट को कह रहा होता हूं कि असल में प्रेजेंट परफेक्ट माजी में हुआ है, लेकिन ऐसा माजी जो अभी तक हाल से जुड़ा हुआ है. एक चीज याद रखिएगा प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट वो है जो इस वक्त है, पास्ट वो है जो एक सेकंड पहले गुजर गया. पास्ट, मैं एक सांस ले रहा हूं जी, और अगला सांस लूंगा. एक सेकंड बाद जो होगा आगे चल के फ्यूचर है, जो एक सेकंड पीछे हुआ वो पास्ट है. अब मैं जो आगे हुआ जो प्रेजेंट है उसमें पिछली बात को जो कहूंगा, मैंने एक लंबा सांस लिया, एक लंबा सांस ले रहा हूं, और अब इसके बाद एक और लंबा सांस लूंगा. मैंने अपने सांस सांस लेने को ही कह दिया कि ये प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की बाउंड्रीज है. यस, ऐसा ही है. और इसको मैयर करना पड़ता है बस, क्योंकि कई बार स्कोप बड़ा हो जाता है, कई बार स्कोप छोटा हो जाता है. मैं छोटे स्कोप पर अभी बात की, मैं बड़े स्कोप पर बात करूं तो हर वो चीज जो इन दिनों जा रही है वो प्रेजेंट है. मैं आप लोगों को इन दिनों पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट है. जब आप लोग मुझसे पढ़ चुके होंगे, 4 मंथ का ये टोटल कोर्स और लास्ट मंथ की पूरी टेस्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी होगी, तो तब आप ये कहेंगे कि आपने मुझसे पढ़ा. और अभी जो कि आपने एग्जाम्स में जाना है आगे, जिनके लिए आप मुझसे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एग्जाम अभी आप देंगे वो लार्जर स्कोप पर. अब मैं मैक्रो पर बात कर रहा हूं, बड़े स्कोप पर. माइक्रो और मैक्रो दोनों एंगल से देखना है आपने टेंसेस को. तो प्रेजेंट परफेक्ट कहां घुसा हुआ है जी फिर इन सब में? प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट और पास्ट के बीच में, उसकी बाउंड्री पर, सरहदों पर बैठा है. ना वो पास्ट में एंटर हुआ है, ना ही अब वो प्रेजेंट में है. अब वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन वो अभी पास्ट का हिस्सा भी नहीं बना. अभी वो पास्ट की बाउंड्रियां उसने क्रॉस नहीं की, लेकिन प्रेजेंट की बाउंड्री में भी अब मौजूद नहीं है. बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर बैठा है, बफर जोन में. जो लोग पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और न्यूज पढ़ते हैं, उनको बफर जोन का पता होगा. ये दो आर्मीज के दरमियान वो इलाका होता है जो दोनों आर्मीज ने एग्रीमेंट के तहत छोड़ दिया होता है कि यहां ऐसे ही पड़ा रहेगा, हम दोनों इस पर नहीं जाएंगे. दैट इज बफर जोन. उर्दू पहचान आते हैं जी. चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं. यह अलीफ है, छोटी ये है, बड़ी ये है. मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा चुका हूं. हम सेंटेंस मेकिंग कर चुके हैं, हम वोकैबुलरी का लेक्चर 1 पढ़ चुके हैं. ठीक हो गया जी. तो आगे बढ़ते हैं जी, या पढ़ लिया है तो हम इसकी स्ट्रक्चर पर आते हैं. तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद हैज हैव थर्ड फॉर्म आनी है. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वहीं खड़े, हैज हैव लगा के थर्ड फॉर्म. अब हैज किन के साथ लगाना है? हैज उन्हीं के साथ लगाना है जिनमें प्रेजेंट डेफिनेट के साथ एसईएस का इजाफा किया था. सिर्फ उन्हीं के साथ हैज है, बाकी सबके साथ हैज है. किसके साथ किया था एसईएस का इजाफा? ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, यानी असलम, अकरम, नुमान है, ठीक है, विविजय है. उन सब के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म लगा दी, तो एसईएस का इजाफा किया. उनके साथ ही हैज लगाएंगे, ही हैज, शी हैज, नुमान हैज, बाकी सबके साथ हैव आएगा जी. आई भी हैव, आई है तक अकेला हैव. तो नेगेटिव करते वक्त हैज हैव के बाद नॉट है, इंट्रोक्टिव करते वक्त वही काम हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा. हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब ही बाहर में आ गया. कीवर्ड्स देखें कि जुमले में हमें कैसे पहचान होगी. अगर आपको जुमले में, ठीक है, अजान आ चुकी है, वेरी गुड, जस्ट, नेवर, एवर, सो फार, येट, येट होता है अभी तक, सो फार भी अभी तक, अच्छा नेवर बहुत सारे जुमलों में चला जाता होता टेंसेस में, टिल नाउ, टिल नाउ ना, लेकिन नेगेटिव जुमलों में. असल में ही हैज नॉट अराइव्ड टिल नाउ, नॉट, ही हैज अराइव्ड टिल नाउ नहीं कहना, ही हैज नॉट अराइव्ड टिल नाउ, जस्ट नाउ कह सकते हैं. ही हैज अराइव्ड जस्ट नाउ पॉजिटिव जुमला है तो जस्ट नाउ, नेगेटिव जुमला है तो टिल नाउ. टिल नाउ पॉजिटिव जुमले में कब यूज होता है? ये फ्यूचर परफेक्ट में जाके पढ़ेंगे, वो शायद कल हो रहा हो. फ्यूचर परफेक्ट में जाके टिल नाउ पढ़ेंगे, ठीक हो गया जी. तो पॉजिटिव जुमलों में
नॉट येट, येट और नॉट येट, खैर दोनों एक तरह से येट भी आ जाए, येट असल में आते हैं नेगेटिव जुमलों में, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, लेटली भी हाल ही में, अभी अभी, वी हैव स्टडीड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लेटली, रिसेंटली, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो ये सारा आप कर सकते हैं. आई एम हेयर विद येट अनदर टॉपिक, यहां जो येट है ना वो टाइम सिग्नल नहीं है, ये जो कीवर्ड्स हैं ये टाइम सिग्नल्स हैं, इनको हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहते हैं. जब हम एडवर्ब का टॉपिक कर रहे होंगे तो आपको एडवर्ब ऑफ टाइम से रोशनास करवाएंगे. ये जुमले में फंक्शन एडवर्ब का करते हैं लेकिन टाइम शो करते हैं. मजर आपने जो जुमला बोला आई एम हेयर विद येट अनदर टॉपिक, ये मैं जुमला बोलता होता हूं, और स्पेशली अपनी आपने मेरे लेक्चर्स में, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में सुना होगा, तो वहां येट टाइम नहीं शो कर रहा, याद रखिएगा, वहां येट एक और तरह से आ रहा है वहां एडवर्ब भी, वहां येट एडिशन कर रहा है सिर्फ, एक और वक्त तो दिया ही नहीं इसके अंदर, टाइम का तो मीनिंग नहीं है येट का, ही हैज नॉट अराइव्ड येट, ये टाइम का मीनिंग है. माजरा जी, ही हैज नॉट अराइव्ड येट, वो अभी तक नहीं आया है, अभी तक का मीनिंग दे दिया येट ने, प्रेजेंट परफेक्ट. लेकिन आई एम हियर विद येट अनदर टॉपिक, तो येट अनदर, एक और, तो येट जो है फिर भी का मीनिंग दे रहा है, एक और का मीनिंग दे रहा है, तो येट वहां टाइम नहीं दे रहा, तो वो येट और है, ये येट और बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, वहां येट बिल्कुल ठीक है लेकिन टाइम नहीं है. ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली या वर्क कंप्लीटेड, जुमले में नजर आ जाए ना, काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट लगा दो, बेशक ये कीवर्ड्स हो ना हो. द डॉक्टर हैज अराइव्ड जस्ट नाउ एंड विल सी द पेशेंट्स आफ्टर अ वाइल. जस्ट नाउ ने हमें बता दिया था कि अभी अभी हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हैज अराइव्ड. और देखो जो प्रेजेंट के बाद काम होगा वो फ्यूचर है, आफ्टर अ वाइल होगा, आफ्टर सम टाइम होगा, तो मैंने फ्यूचर लगाया, विल सी द पेशेंट्स आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद मरीजों को देखेगा, विल सी, विल चेक, अभी अभी आया है, और इस अभी के बाद जो काम होगा, जो आगे होगा, जो मर्जी है वो फ्यूचर है. मैंने एक कदम उठाया है और अगला कदम उठाऊंगा, बेशक एक सेकंड बाद, ये माइक्रो लेवल पर हम देख रहे हैं, ठीक हो गया जी. नीचे वाले जुमले में आपने फिल करना है और नॉट लगा लेना है, अराइव के साथ नॉट लगा के फिल करना है, फिल करके दें जी, ही डैश टिल नाउ, नॉट लगा लीजिएगा अराइव के साथ. वेरी गुड, अराइव को भी लगाए ना, ही हैज नॉट अराइव्ड, वेरी गुड, ही हैज नॉट अराइव्ड टिल नाउ. और ये जो आपने एक जुमला एक बच्चे ने बना के भेजा, के सर आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव नेवर कंप्लीटेड माई वर्क, भी ठीक है, नेवर इसलिए मैंने बोला कई जुमलों में आ जाता है, नेवर तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लगा देते हैं, ही नेवर कंप्लीट्स हिज वर्क, तो इसलिए मैंने नेवर पर आकर आपको कह दिया था, नेवर कई टेंसेस में यूज हो जाता है. तो अभी एक बच्चे ने एक जुमला बड़ा अच्छा भेजा है, स्टूडेंट ने, हसन ने, कि द डॉक्टर हैज अराइव्ड जस्ट नाउ एंड इज गोइंग टू सी द पेशेंट, बिल्कुल ठीक है, इज गोइंग टू सी द पेशेंट, डॉक्टर अभी अभी आया तो प्लान बना के आया, बना लेंगे, विल सी द पेशेंट्स, इज गोइंग टू सी द पेशेंट्स, बोथ आर करेक्ट, ठीक है जी. लेकिन विल सी यहां प्रेफरेबल क्यों मैं रखूंगा, क्योंकि जुमले में ना प्योर प्लान नहीं दिया हुआ, क्या पता डॉक्टर का कंपाउंडर कह रहा हो बाहर जो बैठा होता है, असिस्टेंट कह रहा हो कि जी डॉक्टर साहब अभी अभी आए, थोड़ी देर बाद मरीज देखेंगे, कुछ वक्त लगेगा, तो वो एग्जैक्ट प्लान नहीं बन रहा कि कितनी देर बाद कौन सा टाइम. तो जबरदस्त हो गया जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं हम. अफगानिस्तान में जंग खत्म हो चुकी है, करें जी ट्रांसलेट, चुकी है, हमें पता लग गया प्रेजेंट परफेक्ट है, हमने हैज एफ थर्ड फॉर्म लगा के ट्रांसलेट करना है जी, ट्रांसलेट इट. स्टूडेंट्स आप अपने माइक्स भी ऑन कर सकते हैं, नो इश्यूज. वॉर हैज एंडेड इन अफगानिस्तान, द बैटल, बैटल के बजाय वॉर ही रखी, मैं बैटल और वॉर का फर्क समझाता हूँ जवेरिया आपको अभी. द वॉर इन अफगानिस्तान हैज एंडेड, बिल्कुल ठीक है, द वॉर इन अफगानिस्तान भी ठीक है,
वॉर हैज एंडेड इन अफगानिस्तान, ठीक है। अच्छा अब ना छोटी छोटी सी एक दो गलतियां जो कुछ स्टूडेंट्स ने की हैं। एक तो आपको लाजमी तौर पर दा वार लगाना पड़ेगा, वॉर अकेला नहीं लगा सकते। अच्छा ये जो तलाल आपने किया ये थोड़ा सा जुमला ट्रांसलेशन से हट गया, अफगानिस्तान हैज फिनिश द वार और चीज है, अफगानिस्तान ने जंग खत्म कर दी है, अफगानिस्तान ने नहीं की, अफगानिस्तान में हुई है, ठीक है जी। द वार जुमला देखना है, अगर तर्जमा उर्दू ये होती अफगानिस्तान ने खत्म कर दी है तो फिर मैं लगा भी लेता जो आपने किया, लेकिन अफगानिस्तान में होगी तो द वार हैज एंडेड इन अफगानिस्तान या फिर, ठीक है जी। अच्छा दा वार क्यों करना है, एक दो छोटी छोटी गलतियां जिसको मैंने डिस्कस करना है। दा वार क्यों करना है, याद रखना आइंदा से एक चीज, एक आपको ग्रामर का बड़ा कीमती नुस्खा दे रहा हूं, और ये मिस्टेक भी बहुत सारे बच्चे करते हैं, बहुत करते हैं, असाइनमेंट्स मुझे आई है, मैंने वापस की है, अभी आप लोगों को तरीका आ जाएगा असाइनमेंट कैसे लेनी है। मैं बस लेक्चर थोड़ी देर में आज हम इसको एंड करेंगे, रीजन की आज हमने चूंकि बेसिक्स पर बहुत काम किया है तो टेंसिस थोड़ा सा उस तरफ से उधर हो गए। एक बड़ी टिप है, बड़ी काम की टिप है, इस जुमले से ध्यान में मेरे आई, वेरी गुड हमना रुस्तम, बस दा वार करना है क्यों, जब भी कोई नाउन आपको मिले ना जो सिंगुलर भी हो काउंटेबल भी हो और कॉमन भी हो, कॉमन मींस कॉमन, प्रॉपर नहीं, प्रॉपर होता जैसे नुमान कॉमन है बॉय प्रॉपर, नुमान प्रॉपर है बॉय कॉमन है, ठीक है जी। जैसे आप कह लें कि लैपटॉप कॉमन है लेकिन एचपी प्रॉपर है, मोबाइल कॉमन है लेकिन सैमसंग या एप्पल प्रॉपर है, वाह तो बुक कॉमन है लेकिन फिजिक्स प्रॉपर है, अगर केमिस्ट्री है वो प्रॉपर, कॉमन नाउन के साथ या और दो शर्तें और दी, एक कॉमन हो एक सिंगुलर हो वाहद हो जैसे वॉर है, और काउंटेबल हो गिना जा सकता हो, काउंटेबल याद रखिएगा उस नाउन को कहते हैं जिसके साथ काउंटिंग आ जाए, 1 2 3 4 आ जाए, बुक सिंगुलर है कॉमन भी है काउंटेबल भी है, देखो मैं 1 book 2 books 3 books काउंटिंग लगाऊंगा काउंटेबल, इनको कभी बगैर आर्टिकल के नहीं जाने देना, या कह लें बगैर डिटर्मिनर के नहीं जाने देना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में डिटर्मिनर्स पढ़े थे ना, नहीं है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मैंने लिंक भेज दिया था, आपने डिटर्मिनर्स पढ़े थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ए एन द माय योर आवर हिज, कभी जाने नहीं देना, क्या कह सकती है ही ईट्स एप्पल, गलत है ही ईट्स एन एप्पल, देखो हमने एक डिटर्मिनर आर्टिकल दे दिया, He is singing song, हमें पता है गलत है, क्या लगाना था, He is singing a song, a song लगाते हैं ना, I am reading book, आपको पता है गलत है, क्या कहती है, I am reading book नहीं, I am reading a book, भी book singular है, countable है, common है, लगा के दिखाओ article के बगैर या determiner के बगैर, my, your, our कम से कम आएगा अगर an दा नहीं आएगा, भी war भी तो singular है, countable है, common है, ये गलती बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं, जब मैं आपको दा लगाना सिखाऊंगा बच्चे हंसेंगे भी कि दा का मतलब तो धोखा देना भी होता है, तो दा जब मैं आपको लगाना सिखाऊंगा इंग्लिश वाला, वो हमारी जो क्या नाम है लोकल लैंग्वेज वाला दा नहीं, इंग्लिश वाला दा लगाना सिखाऊंगा, तो आपको समझ आएगी कि कितना हम गलत यूज करते रहते हैं दा को, तो यहां दा चाहिए था, वार भी तो सिंगुलर काउंटेबल कॉमन था, ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा अब हसन ने जी जी बच्चे बोलो सर, हाउ कुड वी रिलेट द ऑथर एंड द बुक, व्हिच वन इज कॉमन, ऑथर और बुक नेम, दोबारा बोलिएगा हाउ सर, आपने से कहने कुछ चीजें कॉमन होती है लाइक फोन्स आर द कॉमन एंड द एप्पल एंड सैमसंग कंपनीज मतलब हाँ वो, तो इसी तरह हाउ कुड वी रिलेट द ऑथर एंड द बुक नेम, लेकिन अगर ऑथर का नेम आ गया तो प्रॉपर है, जैसे रघुकल तिलक एक बहुत बड़ा जबरदस्त इंग्लिश लिटरेचर का क्रिटिक रहा है जी, इंडियन था, तो रघुकल तिलक की बुक थी हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तो रघुकल तिलक जो है वो प्रॉपर है, लेकिन जो वर्ड ऑथर है वो कॉमन है, वो रघुकल तिलक प्रॉपर था, ऑथर कॉमन है, आप आई मेट एन ऑथर कहेंगे लेकिन आई मेट रघुकल तिलक कहेंगे,
मेरी बात समझ आ रही है? अब आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे क्योंकि प्रॉपर हो गया है। तीन शर्तें, सिंगुलर, कॉमन और काउंटेबल होना जरूरी है। सिंगुलर भी और कॉमन भी और काउंटेबल, तीनों शर्तें एक ही वक्त में पूरी हो रही है। आई एम रीडिंग बुक भेजा हसन ने, तो आई एम रीडिंग बुक गलत है, आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है जी, आई एम रीडिंग बुक नहीं लगाना, आई एम रीडिंग अ बुक। व्हाट आर यू डूइंग? आई एम रीडिंग अ बुक, नॉट आई एम रीडिंग द बुक। जी हसन, आप माइक ऑन कर सकते हैं, हैंड रेज किया है आपने, यू आर अलाउड। सर आई एम वॉचिंग टीवी होगा या आई एम वॉचिंग द टीवी होगा? अच्छा, अब यहाँ टीवी आप हमेशा टी और वी कैपिटल लिखते हैं, कभी छोटा लिखा है आज तक? टीवी लेते हैं प्रॉपर नाउन के तौर पर, प्रॉपर नाउन की पहचान ये भी होती है, फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होता है, टेलीविजन। ठीक है, वो हम ले ही प्रॉपर नाउन के तौर पर रहे होते। अच्छा, अब इधर आते हैं लफ्ज वॉर पे भी। वॉर सिंगुलर काउंटेबल कॉमन था, बगैर डिटर्मिनर या आर्टिकल के नहीं जा सकते। द वॉर, और द क्यों लगाना है? द तब लगाते हैं जब स्पेसिफाई हो जाए। आई एम रीडिंग अ बुक में बुक स्पेसिफाई नहीं की, आई एम रीडिंग द बुक विच वॉज रिटन बाय रघुकल तिलक, आई एम रीडिंग द बुक विच वॉज रिटन बाय अरुंधति राय। ठीक है जी, तो आई एम रीडिंग द बुक क्यों का? बुक स्पेसिफाई होगी जो कि अरुंधति राय ने लिखी थी, लेकिन जब तक मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगा आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम राइटिंग अ बुक। ठीक है जी, वॉर स्पेसिफाई हो गई है, कौन सी वॉर? अफगानिस्तान की जंग, जैसे अरुंधति राय की बुक स्पेसिफिक होगी, मुझे दा लगाना पड़ेगा इधर, तो एक गलती। दूसरी, बैटल और वॉर में मिस्टेक थी, की थी एक आध बच्चे ने। बैटल होती है एक मैदान की जंग, एक जैसे अगर दो मुल्कों के दरमियान जंग हो रही है, वॉर हो रही है, तो वो उनके बॉर्डर पर फैली हुई होगी। पाकिस्तान इंडिया में 1965 की जो वॉर थी वो एक आप देखिए तो पंजाब से लेकर सिंध तक फैली हुई थी, इंडिया की तरफ से आए तो राजस्थान तक फैली हुई थी वो, पंजाब से लेकर, तो वो वॉर थी, वो कई महाज थे। लेकिन अगर दरमियान में मैं चवंडा की बात करूं, ये सियालकोट का जो सेक्टर था, तो वो चवंडा की बैटल थी, वो बैटल ऑफ चवंडा कहेंगे, वो वॉर ऑफ चवंडा नहीं कहेंगे। लेकिन बैटल ऑफ 1965 नहीं होगा, वॉर ऑफ 1965 होगा। तो बैटल एक मैदान की रह जाती है, सिर्फ एक जगह पर जो दो आर्मीज आपस में लड़ रही हैं, एक मुकाम पर वो बैटल है, जैसे बैटल ऑफ बदर आपने पढ़ा हुआ, वो बदर के मुकाम की लड़ाई थी। और जो पूरा जंगों का बैटल्स का सिलसिला होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैटल्स, कि कई बैटल के मैदान लग गए एक ही वक्त में, तो फिर वॉर हो गई है। तो अफगानिस्तान में कई मैदान है, तो वो जंग बात कर रहे हैं। ठीक है, बैटल एक तरह से बैटलफील्ड, महाजे जंग होता है वो एक तरह से। तो नेक्स्ट हम आते हैं जी, हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये हमारा आज का आखिरी होगा जी। कल इंशाल्लाह हम जो है पास्ट और फ्यूचर को करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज हम बेसिक्स पर बहुत वर्क किया है और चीजों को देखा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे आते हैं जी, मजे का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है ना, ये परफेक्ट भी है कॉन्टिन्यूअस भी है, ये समझना, आज तक स्टूडेंट्स को समझते नहीं है, समझ के याद करें। परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। परफेक्ट मतलब कंप्लीट, कॉन्टिन्यूस मतलब जारी। आप कहेंगे सर ये तो बात ही उल्ट हो गई, ये तो ऑक्सीमरॉन हो गया। ऑक्सीमरॉन दो कंट्राडिक्टरी टर्म्स का इकट्ठा यूज होता है, हम इसको लिटरेचर में कहते हैं यूजिंग टू कंट्राडिक्टरी टर्म्स टूगेदर। जैसे हम नहीं कह देते फुल एम्प्टी, किसी डब्बे को देखते हैं जी, ले जी ये तो फुल एम्प्टी है, बंदा पूछे फुल भी कह दिया एम्प्टी भी कह दिया, तो ऑक्सीमरॉन यूज किया आपने। आप कह देते हैं क्या कहते होते हैं, परफेक्ट एस्टीमेट भी। जब परफेक्ट का तो मतलब है कि 100% करेक्ट, और एस्टीमेट का मतलब है अभी अंदाजा है, परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट एस्टीमेट कहते जी ये एस्टीमेट बड़ा परफेक्ट है जी, तो बंदा पूछे आपसे कि परफेक्ट का है तो एस्टीमेट क्यों कह रहे हो, एस्टीमेट है तो फिर परफेक्ट कैसे हुआ, दोनों तो फर्क होता है। तो परफेक्ट एस्टीमेट ऑक्सीमरॉन है। फिर मैं ना एक मजाइया भी देता होता हूँ, हैप्पीली मैरिड, ये वैसे मजाइया है, तो इफ माय वाइफ इज नॉट लिसनिंग टू माय टेलीकास्ट टुडे, बंदा पूछे मैरिड है तो हैप्पीली क्यों कह दिया, इट इज ऑक्सीमरॉन, तो वे मजाक वाली है, हैप्पीली मैरिड। तो खैर ऑक्सीमरॉन आपको समझ आएगी। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी तो एक तरह की ऑक्सीमरॉन है भी, परफेक्ट कंप्लीट हो गया, मुकम्मल है, कॉन्टिन्यूस जारी है। हाउ इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल,
कैसे पॉसिबल है? इसमें जुमले में हमें दो टाइम फ्रेम मिलते हैं, एक जो मुकम्मल हो गया और एक जो जारी है। याद रखिएगा, वो 10 सालों से यहां रह रहा है, मतलब मैं पंजाब ग्रुप्स में 12 सालों से पढ़ा रहा हूं जी, तो मैं 12 सालों से पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में पढ़ा रहा हूं, ठीक है जी। तो गौर करें, दो काम है इसके अंदर हुए, एक तो परफेक्ट हो गया, 12 साल तो मुकम्मल हो गए, 12 सालों से तो 12 साल तो हो गए, और अभी भी पढ़ा रहा हूं, अभी भी पढ़ा रहा हूं, तो परफेक्ट भी हो गया कुछ ना कुछ, और कुछ ना कुछ जारी भी है, कुछ ना कुछ परफेक्ट भी है, कुछ ना कुछ जारी भी है, दैट इज वाई इसका नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है जी। इसकी इंग्लिश डेफिनेशन देखते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस डिनोट्स मतलब शोज एन एक्शन कॉन्टिन्यूइंग फ्रॉम द पास्ट इन टू द प्रेजेंट। ये एक ऐसे एक्शन को शो करता है जो पास्ट से चल रहा है और प्रेजेंट में भी जारी है। 12 सालों से पढ़ा रहा है तो 12 साल पहले शुरू हुआ, आज भी जारी है, 12 साल मुकम्मल और अभी भी जारी है। इंट इंप्लाइज ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन पास्ट टू प्रेजेंट, ये बताता है कि काम पास्ट से प्रेजेंट की तरफ एंटर हो गया। और इसकी उर्दू की पहचान रहा है, रही है, रही है। आप कहेंगे सर वो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की भी थी, पर साथ वक्त आ जाता है कि इस वक्त से, इतने वक्त से, इतने अरसे से, जनवरी से, 1980 से कोई वक्त आ जाएगा, 10 सालों से कोई वक्त लगा होगा साथ कोई ना कोई, कि इतना वक्त हो गया और अभी भी जारी है, ये इसकी पहचान है। अकेला रहा है, रही है, नहीं आएगा जी। सुजान आपको ये उर्दू लिखी हुई समझ नहीं आ रही होगी, दैट वुड बी, आप उर्दू तो समझ पा रहे होंगे ऐसे ही सुजान? हाँ, सर, सर पढ़ दीजिए मेरे लिए सर, इसलिए मैं पढ़ लेता हूँ ना आपके लिए, हर बार पढ़ देता हूँ, सबके लिए पढ़ देता हूँ कि ये मैंने उर्दू, क्योंकि हाँ, ये हमारा अरेबिक ट्रांसक्रिप्ट है, स्क्रिप्चर कह रहे होते हैं हम इसको, स्क्रिप्ट कह रहे होते हैं सॉरी, और आप लोग जो अंग्रेजी स्क्रिप्ट में लिखते हैं जो हिंदी है तो वो और है, वो जहर है, बांग्लादेश वाले भी उसी स्क्रिप्ट से लिखते हैं, आप लोग भी उसी से लिखते हैं, एंड आई थिंक नेपाल के लोग भी उसी से लिखते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चले तो हम इसमें देखें, तो मैंने लिखा हुआ है रहा है, रही है, रहे है, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी था, रहा है, रही है, रहे, मैं पढ़ा रहा हूं, सुजान आप मुझे सुन रहे हो, रहा है, दोनों yes, sir, yes, सेम है, लेकिन यहां वक्त आ जाएगा लिखा हुआ साथ। आप इसको अपनी हिंदी में नोट कर लो, अपने पास, अपने पास, अपने रजिस्टर्स पर हिंदी में लिख लो इसकी पहचान, वही चीज जो मैं उर्दू में बोल रहा हूं आप इसको हिंदी में ट्रांसक्राइब कर लो, कि वक्त लिखा आएगा साथ, के 2 घंटों से पढ़ा रहा हूं, 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं आई एम टीचिंग में, 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो अब ये नहीं कहना आई एम टीचिंग फॉर एन आवर, ना 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 ना, मैं पढ़ा रहा हूं आई एम टीचिंग, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, ये स्ट्रक्चर यूज होगी, हैज बीन, हैव बीन प्लस आई एन जी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, हैज बीन, हैव बीन लगा के, आई हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर, आई हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर, टाइम आ जाएगा एट द एंड, फॉर एन आवर, आई हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, अब एम नहीं कहना, अगर वक्त ना होता साथ तो सिर्फ कहना था आई एम टीचिंग, लेकिन 1 घंटे से का मतलब है कि 1 घंटा परफेक्ट हो गया, मुकम्मल हो गया, और काम अभी भी जारी है, काम अभी भी जारी है, मैंने इस वक्त जो हम काम कर रहे थे उस पर ही अप्लाई कर दिया जी। तो बस आखिरी स्लाइड ही चल रही है हमारी आज की, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर, और नेगेटिव करना है तो हैज हैव के बाद नॉट लगा देना, इधर नॉट लगा देना जी आपने, मैं आपको जो स्लाइड सेंड करूंगा उसमें नोट कर दूंगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, नॉट नहीं लिखा हुआ। और जब इंट्रोगेटिव करना है, सवालिया करना है, तो हैज हैव बाहर आ जाएगा, बीन नहीं निकालना, ना ना ना, हमेशा जब 2 हेल्पिंग वर्ब्स हो तो पहला हेल्पिंग वर्ब ही सब्जेक्ट से पहले आता है, ही हैज, आई हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर, हैव आई बीन टीचिंग, हैव आई बीन टीचिंग फॉर एन आवर। अब आप बात करनी है सिंस फॉर की, उस टाइम जो हमने लगाना होता है परफेक्ट टेंसेस में, उसमें सिंस फॉर प्लस टाइम आता है, फॉर कब लगाना है, सिंस कब लगाना है, याद रखिएगा जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो तो फॉर लगाना होता है। मैं आप लोगों के लिए टाइप कर देता हूं यहां, आप लोगों को क्लियर हो जाए, जब ड्यूरेशन हो, याद रखिएगा जब ड्यूरेशन हो तो फॉर लगाना है, जब स्टार्टिंग टाइम दिया हो तो आप लोगों ने सिंस लगाना है। ये सीखना कैसे, हमने ये सिखाता हूं,
गौर करो, अगर मैं कहता हूं 2 months, अगर मैं कहता हूं 2 months तो कंट्रोल जी करता हूं तो वो मेरा ड्यूरेशन है, मुझे दुरानिया पता लग गया कितना वक्त गुजर गया, 2 months एग्जैक्टली ड्यूरेशन पता लग गया। लेकिन अगर मैं लगा देता हूं आगे, फर्ज करो कि मैं जुलाई लिख देता हूं, तो जुलाई से मुझे ये तो नहीं पता लगा कि भाई वक्त कितना गुजर गया, पर मुझे यह पता लग गया शुरू कब हुआ, स्टार्टिंग टाइम क्या था, मुझे यह पता लग गया। तो जब मैं कह रहा था एनआर, तो एनआर से मैंने यह तो नहीं पता लगा कि शुरू कितने बजे हुआ, स्टार्टिंग टाइम तो नहीं पता लगा, पर यह पता लग गया ड्यूरेशन कितनी गुजरी। ये सिंस और फॉर यूज करने का बड़ा आसान तरीका है जिसको आपने फॉलो करना है। 10 years है तो फॉर, लेकिन 2011 है तो सिंस 2011, फॉर 10 years Since 2011, तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को सिंस फॉर लगाना भी आ गया होगा। तो मैं एक क्वेश्चन देख लेता हूं स्टूडेंट का। यस, रियली गुड। तो आई ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। सिंस 1980 क्यों लगाया, क्योंकि 1980 से ये तो नहीं पता लगा कि साल कितने गुजर गए, ये पता लग गया कि शुरू 1980 में हुआ था, स्टार्टिंग टाइम पता लग गया। और गौर करो हैज बीन लिविंग क्यों लगाया है, कि 1980 में वो शुरू हुआ और आज भी जारी है, माजी से शुरू होकर काम आज भी जारी है। 1980 से लेकर 2020 तक 40 साल गुजर गए, 40 साल परफेक्ट हो जाए, काम अभी भी जारी है। यहां फिल करके दिखाएं जी, आई डैश ईयर सिंस माई बर्थ, माई बर्थ भी तो स्टार्टिंग पॉइंट है, ड्यूरेशन नहीं पता लगी, स्टार्ट पता लग गया। लिव लगाना है, आई हैव क्या लगाएंगे, आई एम लिविंग सिंस माई बर्थ, आई जी जी स्टूडेंट्स के आंसर आ गए जी, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस माई बर्थ, मैं अपनी पैदाइश से यहां रह रहा हूं, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस माई बर्थ। रियली गुड जी, जबरदस्त, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस माई बर्थ। ठीक है जी सर, प्रोफेसर नुमान हैज बीन टीचिंग इन पीजीसी फॉर 12 years, यस फॉर 12 years, वेरी गुड। अच्छा, मजे की बात की है मजहर ने कि सर मैं खेलता आ रहा हूं। अच्छा मजहर, वो खेलता आ रहा हूं नहीं, मैं खेलता रहा हूं, मैं खेलता रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग आप लगा सकते हैं, आई हैव बीन प्लेइंग, उसकी रीजन के खेलता रहा हूं, खेलता आ रहा हूं भी यूज हो जाता है कि माजी से शुरू होकर आज भी जा रही है। इसी वजह से तो मैंने एक चीज कही है, इसी वजह से तो मैंने कहा है कि हम अपनी स्ट्रक्चर्स फॉलो जो है वो करते हैं, उसकी उर्दू पहचान के को फॉलो करते हुए नहीं, हम अपनी स्ट्रक्चर्स फॉलो कर रहे होते हैं फंक्शन को देखते हुए, तो इसलिए तो मैंने आपको फंक्शंस करवाए, मेरी बात समझ आ रही है, इसीलिए तो मैंने आप लोगों को फंक्शंस करवाए। मैं आपको फंक्शन वापस लेकर जाता हूं, फंक्शन देखो करवाया को, जो काम माजी से शुरू होकर प्रेजेंट में एंटर हो गया, खेलता आ रहा हूं, मजर ने जुमला भेजा है तो गौर करो, माजी से खेलता आया है अभी भी जारी है, माजी शुरू कर प्रेजेंट में आ गया, हमें कोई परवाह नहीं है, जुमले के अंदर आ गया वक्त, के जुमले के अंदर लिखा नहीं है लेकिन मफहूम मौजूद है कि माजी से शुरू होकर अभी भी जारी है, और जो काम माजी से शुरू कर अभी भी जारी है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, आपने जरा मुझे बताना है कि इसमें कौन सा ब्लैंक आएगा, ये जो स्क्रीन आपके सामने आ रही है, बोलिए जी, आप लोगों को मेरी आवाज और हर्ष ठीक आ रही है ना, ओके दैट्स गुड। सी कह रहे हैं जी, शी हैज आस्क्ड नो क्वेश्चन सिंस यू रेप्रिमांडेड हर, एंड यस दैट इज द केस, द आंसर इज बेसिकली सी। और हमें कैसे पता लगा इसका आंसर सी है जी, नीचे फार्मूला मैंने दिया हुआ है, फार्मूला क्या है, ये बड़ा मजे का फार्मूला, फार्मूला ये है कि सिंस के साथ अगर अगर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो, जैसे वी टू लिखा है मैंने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को, सिंस के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म अगर एग्जिस्ट करती हो, याद रखिएगा आप पीछे जो टेंसेस यूज करेंगे, आगे तो सेकंड फॉर्म आ गई,
आगे तो पास्ट इंडेफिनिट आ गया, पास्ट इंडेफिनिट ही है ना असल में सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट, तो आपको नजर आएगा कि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है। तो सिंस के आगे अगर सेकंड फॉर्म हो तो पीछे दो टेंसेज यूज हो सकते हैं, यू कैन सी दोज टू टेंसेज, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, बोथ टेंसेज कैन बी यूज, बोथ ऑफ देम। तो ये रेप्रीमांडी टिक, तो शी हैज आस्क्ड नो क्वेश्चन सिंस यू रेप्रीमांडेड हर। हमें फार्मूला कंप्लीट करना था, फार्मूला कंप्लीट क्या किया है जी, कि हमें शी हैज आस्क्ड नो क्वेश्चन दिया था, सिंस के आगे सेकंड फॉर्म लगानी थी। तो जिन लोगों ने सी आंसर दिया है, पहले मैं उन लोगों को जरा कि चलो बच्चे आंसर दे रहे थे एक बार देते जाएं, देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन सी इज नॉट योर आंसर, इट्स नॉट प्रेजेंट परफेक्ट, इट शुड बी पास्ट इनडेफिनिट। ठीक है जी एसन, आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, इट्स नॉट सी इट्स ए। शी हैज आस्क्ड, यहां ये भी आ जाता ना, शी हैज बीन आस्किंग नो क्वेश्चन सिंस यू रेप्रीमांडेड हर, तो वो भी करेक्ट था। अब आपको एक मजे की चीज बताता हूं, एग्जामिनर आपको ये दोनों तरह से पूछ सकता है, एग्जामिनर आपके साथ दोनों तरह से आ सकता है। कैसे जरा ये देखते, एग्जामिनर आपसे ब्लैंक पीछे वाली फील कर दे, छोड़ दे, शी डैश नो क्वेश्चन सिंस यू रेप्रीमांडेड हर, और रेप्रीमांडेड दे दे। रेप्रीमांड होता है डांट डपट करना, कि जब से आपने डांटा उसने कोई सवाल ही नहीं पूछा है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज बीन आस्किंग नो क्वेश्चन लगाते तो तब से वो कोई सवाल पूछ ही नहीं रही है। बोथ वर्क करेक्ट, दोनों एंगल से काम ठीक था। आप एग्जामिनर तो गौर करो, मैं बता रहा हूं को आपको जब ब्लैंक देगा तो वो शी के बाद भी ब्लैंक दे सकता है, शी डैश नो क्वेश्चन, शी हैज आस्क्ड नो क्वेश्चन, शी हैज बीन आस्किंग नो क्वेश्चन सिंस यू रेप्रीमांडेड हर, जब से आपने उसे डांटा। तो आई डू होप कि आपको यहां ये बात जो है प्रॉपरली समझ आ गई होगी। तो एग्जामिनर हैज आस्क्ड, हैज बीन आस्किंग आपको फील्ड दे दे और अगली ब्लैंक पूछ ले कि सिंस यू डैशर हैज रेप्रीमांडेड, रेप्रीमांडेड क्या फिल करके दिखाएं जी। चलिए दैट्स रियली गुड। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, इसको लगा के दिखाएं जरा, आई डैश ये डेली सो फार इन दिस मंथ, इट हैज रेंड ये डेली सो फार इन दिस मंथ, इट रेन्स ये डेली सो फार इन दिस मंथ, हैज बीन रेनिंग, हैड बीन रेनिंग। Yes, my dear students, you can turn on your mics even, or can answer me through that chat box that is visible to me. Has rained. Okay. Aur soche, B rains. C has been raining. Three students answered. Well, in fact, four answered, and they answered some different answers and different options. Daily used. तो इन इनडेफिनिट जिवेरिया ने कहा है इनडेफिनिट यूज होगा। सी सर ठीक है ले जी, ये सेंटेंस मैंने प्रीवियस पेपर से उठाया है, और मजे की चीज बताऊं मैंने बहुत हाई लेवल के पेपर से उठाया, मैं सिंपल इंटर के बोर्ड एग्जाम से उठा लिए ये सेंटेंस, और ये सेंटेंस बड़ा कंफ्यूजिंग था। देयर वाज इन लाहौर बोर्ड्स एग्जाम्स 2011 आई थिंक और 12। It dash a daily so far in this month. अगर मैं daily को देखूं तो मैं कहूंगा देर शुड बी प्रेजेंट इनडेफिनिट, जैसे जवेरिया ने कहा कि मैं daily लगाया है, तो I teach you people daily, he comes here daily, तो rains। अगर मैं so far को लगाऊं तो मैं अल्फा लगाऊंगा has rained। आप देखें students, आपको एक चीज दिखाते हैं के सो फार प्रेजेंट परफेक्ट के आपने एडवर्ब्स ऑफ टाइम या यू कहले कीवर्ड्स में पढ़ा था। ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा है माउस के एन ऊपर, तो सो फार जो था वो तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो अब इधर क्या करें जी, ये तो सारा रोला पड़ गया, आइए इस रोले को भी अंजाम तक पहुंचाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, द आंसर इज हैज बीन रेनिंग, इट्स सी। जिन लोगों ने सी दिया था क्लैपिंग फॉर देम, पर मैं उनसे वजह पूछना चाहता हूं, क्योंकि हमने ग्रामर गुजारनी नहीं है, मैं आप लोगों को सिखाने आता हूं। आप लोगों ने अगर ये ऑनलाइन क्लास ली है तो इट इज टू लर्न, कि आपको कुछ सीखने को मिले, सिर्फ लेक्चर तो रिकॉर्डेड कहीं से भी मिल जाएंगे, तो हमें लॉजिक्स के साथ आना है। एनी वन ऑफ यू हु मे आंसर के जी डेली मौजूद था प्रेजेंट डेफिनेट का,
सो फार मौजूद था प्रेजेंट परफेक्ट का, बट वी आंसर्ड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ना प्रेजेंट परफेक्ट लिया ना प्रेजेंट डेफिनेट लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ले लिया. कैन एनी वन ऑफ यू गिव मी द रीजन, एनी वन ऑफ यू? जी जी हाफिज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? क्योंकि बारिश, हेलो जी जी बोले बोले सर, क्योंकि क्योंकि बारिश पहले से हो रही थी और अब भी हो रही है. आप अपने इस नुक्ते पर बिल्कुल ठीक पहुंचे हैं तलाल. तो यही बात है जी बेसिकली. देखो सो फार का मतलब है अब तक, ये सो फार एफ ए आर वाला फार, एफ ओ आर वाला फार नहीं है. क्या आप कहेंगे जी आगे टाइम होगा, वो सिंस फार के आगे जो टाइम होता है वो फार एफ ओ आर वाला होता है. डेली का मतलब है रोजाना, अब तक रोजाना, कब जी इन दिस मंथ में, इस माह में. आज इस मंथ की डेट है जी हमारे पास फिफ्थ, पांच तारीख है, वैसे बारिश हो भी रही है. इस माह में अब तक रोजाना बारिश हो रही है, इन दिस मंथ, इस माह में अब तक रोजाना बारिश हो रही है. क्या डेफिनेशन पड़ी थी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की? डेफिनेशन ये पड़ी थी कि माजी से शुरू होकर जो काम आज भी जारी हो. आई हैव बीन टीचिंग एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस फॉर 12 इयर्स. आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग. क्यों हैव बीन टीचिंग लगा रहा हूं जी? कि मैं 12 साल पहले शुरू हुआ और स्टिल कंटिन्यू. यकम से शुरू हुई, इस माह में रोजाना हो रही है, रोजाना का मतलब यकम से स्टार्टेड है. यकम से शुरू हुई, आज भी जारी है. तो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. तो कीवर्ड्स जो होते हैं ना, कई बार धोखा दे सकते हैं, इन कीवर्ड्स के धोखे पे नहीं जाना. देखिए आप लोगों को जो हिंट मिला डेली और सो फार का, कि दो टेंसेस मिले तो याद रखेगा, जैसे दो एलिमेंट्स मिले तो कहीं तीसरी चीज मिलती है. केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है, कोई न्याय कंपाउंड सामने आता है, कोई अल्कली और हैलोजन मिलते हैं तो क्या न्याय कंपाउंड बनता है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां भी डेली प्रेजेंट डेफिनेट का मिला, सो फार प्रेजेंट परफेक्ट का मिला, कोई नई चीज बनी थी. और वो नई चीज आप जुमले के मीनिंग से निकालेंगे, मीनिंग के अंदर से एक्सट्रैक्ट करेंगे कि अच्छा ऐसे निकालो जी. आई डू होप यू वुड हैव गॉट माय पॉइंट ऑफ व्यू. अगर फिर भी इशू हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ले जी हम इस सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं जी. सेंटेंस आपके सामने है, फलस्तीनियों की जिद्दोजहद काफी अरसे से चल रही है जी. ट्रांसलेटेड. मेरा माइक खराब हो गया, क्या मतलब? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? तलाल इस सेइंग की शायद आवाज नहीं आ रही, इज फेसिंग सम माइक इशू. बाकी लोगों को आवाज आ रही है? जस्ट टेल मी यस और नो, इज इट क्लियर और नॉट? एनीवन एल्स, किसी को इशू हो तलाल के अलावा? आवाज आ रही है, रिजवान इज सेइंग क्लियर है, रुबाब इज सेइंग. थैंक यू रिजवान साहब, मेरी टीम इसमें बैक पर मुझे सुन रही होती है. फॉर एनी टेक्निकल असिस्टेंस दे आर देयर. थैंक यू जी टीम. क्लियर है? तो अगर किसी को इशू है, इट मींस इट माइट बी इसकी तरफ नेट का इशू हो. बाकी सारे स्टूडेंट्स, एसन भी कह रहा है क्लियर है, तो एफ सो मेनी स्टूडेंट्स आर सेइंग क्लियर. तो एक को भी क्लियर जा रही है, इसका मतलब मेरी तरफ से ब्रॉडकास्ट ठीक हो रही है, याद रखिएगा. और क्योंकि सारे एक को भी पहुंच गई तो मेरी तरफ से ठीक पहुंची है. अच्छा जी, इट मींस आप थोड़ा सा नेट का इशू आजकल बारिशों में हो जाता होता है जी. तो फलस्तीनियों की जिद्दोजहद काफी अरसे से जारी है. स्ट्रगल ऑफ पैलेस्टीन्स, पैलेस्टीन्स की वजह ना पैलेस्टीनियंस, जैसे पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से पैलेस्टीन से पैलेस्टीन्स नहीं करना, पैलेस्टीनियंस है जी उनका लिए यूज किया जाता. इज गोइंग ऑन फ्रॉम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. नहीं रुबाब, आप गलती कर गए छोटी सी, और कोई करे जी? यस एसन, यू आर परफेक्ट हियर नाउ. और कोई करे, देन मैं रीड करता हूँ, अदरवाइज कॉपी पेस्ट ना हो जाए. अपना किया करें, बेशक माइक ऑन करके मुझे बता दिया करें. देखिए स्टूडेंट्स, दैट इज इजी, लेट मी एक्सप्लेन इट एंड क्लैरिफाई इट. द स्ट्रगल ऑफ द पैलेस्टीनियंस. अच्छा, जो नेशंस होती है उनके नेम के साथ दा जरूर आता है, द पाकिस्तानीज, ठीक है जी, द इंडियंस, द फ्रेंच, तो द पैलेस्टीनियंस आपको लगाना पड़ेगा. हैंड रेज हुआ है जी किसी का? वैसे तो मैंने इजाजत दे रखी है कि इफ यू वांट टू टर्न ऑन योर माइक तो यू मे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं किसको माइक ऑन करवाने की जरूरत है. जी आप माइक वैसे ऑन कर सकते हैं. आई थिंक सम कबीर वाज देयर, जोहन कबीर, आई थिंक जोशन कबीर. जी जोशन, मैं आपको वैसे अनम्यूट कर दे की
मैनुअली भी इजाजत दी, वैसे वैसे ऑटोमेटिक दी हुई है। कुछ कहना चाह रहे जोशन, आपने हैंड रेज किया था? चले, और किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया जी? अच्छा जोशन, आप भी आई थिंक इंडिया से हैं, आपका नेम शायद पाकिस्तान से भी हो। देयर आर सो मेनी अदर रिलीजियंस आल्सो लिविंग इन दैट कंट्री आल्सो। नहीं, ओके, यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, दैट्स गुड। ओके जी, तो द स्ट्रगल ऑफ द पैलेस्टीनियंस, ये बिल्कुल ठीक किया है इस्लाम खान आपने, और एहसन आपने भी, इस्लाम खान आप गलती कर गए, एहसन ने ठीक किया, शुरू का ठीक था इस्लाम खान आपका, इस्लाम खान आपका। देखो काफी अरसे से चल रही है, कल क्या बताया था, दोबारा कल के लेक्चर पर वापस आते हैं। कल हमने पढ़ा था जो काम माजी से शुरू होकर आज भी जारी है, जो काम माजी से शुरू होकर आज भी जारी है, कौन सा काम है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और फिर पहचान उर्दू की भी बताई थी, क्योंकि हम ट्रांसलेशन भी सीख रहे हैं, या हिंदी की कहें पहचान, उर्दू और हिंदी की पहचान सेम रहती है जी, याद रखिएगा। हाँ, हम लिखते डिफरेंट स्क्रिप्ट में, हमारे जो है अल्फाबेट का डिफरेंस है, लेकिन पहचाने सेम है। तो वक्त से लगकर जब आ रहा हो के काम रहा है, रही है, रहे दो घंटे से खेल रहा है, वो खेल रहा है, इज प्लेइंग, दो घंटे से खेल रहा है, तो अब ही इज प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, नहीं लगाना। इस्लाम खान ने रुबाब, आपको वजह पता लगी आप लोगों को मैंने गलत क्यों कहा है, कि आप लोगों ने इज लगाने की कोशिश की है, वो है कि दो घंटे से खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है, इज प्लेइंग, लेकिन दो घंटे से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग, नाउ इट इज प्रेजेंट परफेक्ट। तो फलस्तीनियों की जिद्दोजहद काफी अरसे से चल रही है, तो द स्ट्रगल ऑफ द पैलेस्टीनियंस, मैंने बोला था कंट्री नेशंस के साथ दा जरूर आता है, कंट्रीज के साथ नहीं आता, नेशंस के साथ, तो ऑफ द पैलेस्टीनियंस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर मेनी इयर्स, सिंस नहीं आना, फॉर आना है, और फॉर आने की वजह क्योंकि हमें एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम पता नहीं लगा, हमें स्टार्टिंग टाइम नहीं पता लगा कि ये काम स्टार्ट कब हुआ। हाँ, एक ड्यूरेशन का आइडिया हो गया कि एक लंबा ड्यूरेशन गुजर गया, तो ड्यूरेशन का आइडिया तो यू हैव टू यूज फॉर, और अगर स्टार्टिंग टाइम का आइडिया हो तो you are to use since. So the struggle of the Palestinians has been going on, या continuing भी आप लगा सकते, no issue, for a long time. और आप off के बजाय ना, मैं आपको मजेक चीपता हूँ, आप लगा दे Palestinians struggle, तो that would be better, क्योंकि living beings के साथ जो है वो apostrophe s का use ही बेहतर है possession के लिए। जैसे मैं इस table के leg की बात करूँ, तो this table's leg नहीं कहूँगा, table of this leg, क्योंकि table non-living है, मैं apostrophe s नहीं लगा सकता, table's leg नहीं कह सकता।